गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला का गला रेतकर हत्या करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त राकेश सिंह को पिपराइस थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नकद किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रवि कुमार गर्ग का गोरखपुर पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बिना डर के व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार, व्यापार को मिला है बढ़ावा। यातायात माह के अंतर्गत SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने PTS में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात एवं अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वह पुलिस का जवान हो या आम नागरिक, सभी करें रोड सेफ्टी नियमों का पालन। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों रुद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और किशन शर्मा को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन का करेगा आयोजन। किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ उतरेगा मैदान में ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में 100% सीटें जीत सके भाजपा। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने दी जानकारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ठीक होने पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में परिजनों को किया गया सुपुर्द। SP सिटी ने कहा, अब तक NGO द्वारा 90 से अधिक महिलाओं को उनके परिजनों से मिलवाना है, बहुत ही अच्छा कार्य। बाईस से 26 नवंबर तक पूर्वांचल में आयोजित होगी बुद्ध से कबीर तक यात्रा। जनता और युवाओं के बीच भारत की सांझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुंचाना है यात्रा का उद्देश्य। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व DGP डॉक्टर विनोद मल ने दी जानकारी। एक शातिर वांछित लुटेरे फरहान अंसारी उर्फ छोटू को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, भेजा जेल। और जटाशंकर गुरुद्वारा के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 65 से अधिक नागरिकों ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर करवाया निःशुल्क जांच। जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, आगे भी आयोजित होगा इस तरह का शिविर। अब खबरें विस्तार से। पिपराइस थाने की पुलिस ने महिला का गला रेतकर निर्मम हत्या करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राकेश सिंह पुत्र इंदु सिंह निवासी ग्राम हेमदापुर थाना पिपराइस जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आला कत्ल, एक चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नगद बरामद किया गया है। SP नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी भगवानी देवी से पुराने मुकदमे की सुलह के लिए बोलना तथा वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा मना करने पर चाकू निकालकर वादी मुकदमा की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध में पिपराइस थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइस थाना प्रभारी सूरज सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह यादव, कांस्टेबल दिनेश, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, तुम चाकू मारेगा, उसके बाद फिर तुम दोबारा फिर उसे
मृतका की लड़की दिनांक 15/11/2022 को थाना पिपराइच के ग्राम हमदापुर में एक महिला भगवानी देवी की हत्या कर दी गई थी। इसमें अभियुक्त राकेश सिंह का नाम प्रकाश में आया था। उक्त राकेश सिंह नामक अभियुक्त तो उसी समय से फरार हो गया था, जिसके ऊपर 15,000 रुपये इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा रखा गया था। उसको कल रात्रि में थाना पिपराइच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसका जो हत्या का मुख्य कारण है वो जो मृतका थी उसकी पुत्री से इसका कोई संबंध था, जिसमें वो मना करती थी, इसके कारण इसने उसकी हत्या की है। ये करीब 1.5 साल पहले जेल से छूट के आया था। ये इससे पूर्व भी उसी लड़की को 307 और 354 के अंतर्गत अपराध करने के संबंध में, चाकू मारने के संबंध में जेल गया था और उसी में से छूट के आया था। उसके बाद फिर वो पुनः उससे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगा, जिसका घर के लोग और विशेषकर ये उसकी माता भगवानी देवी विरोध करती थी। इस पर इसने इसकी हत्या की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। चाकू बरामद हुआ है जिससे आला कतल, जिससे कि हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग का गोरखपुर एनेक्सी भवन पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं के लिए व उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में व्यापार चलाने के लिए एक माहौल बनाया है। अब विदेशों से व्यापारी आकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। 2014 से पहले देश में व्यापार को बढ़ावा देने का कोई माहौल नहीं था। व्यापारी उद्योगों को छोड़कर भाग रहे थे। एमएसएमई उद्योग सब बंद हो चुका था, लेकिन 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब व्यापारी बिना डर के अपना व्यापार कर रहे हैं। गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। अब व्यापारी सम्मान के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी गई है, जिससे व्यापार का माहौल बना है। व्यापारियों को बिजली की समस्याओं से छुटकारा मिला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा, इधर ले लीजिए, मैं लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में हूँ। गोरखपुर की पावन धरती पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए, उनके व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी वो उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग चलाने का एक माहौल तैयार किया है। 2014 से पहले देश में भी व्यापार का और उद्योग का चलाने का कोई माहौल नहीं था। लोग उद्योगों को छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। एमएसएमई उद्योग सारा बंद हो चुका था, परंतु 2014 में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति का रास्ता बना है, सारे व्यापार को चाहिए सबसे पहले सम्मान, व्यापारी को सम्मान और व्यापार की उद्योग की सुरक्षा, उसके लिए सभी माफिया, राजनीतिक माफिया, सामाजिक माफिया, क्षेत्रीय माफिया, गुंडे मवाली जो भी लोग थे उन सबको किनारे करके प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण दिया गया है और व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है, उससे व्यापार का माहौल बनाए, उद्योग चलाने का की राह आसान हुई है। उसी प्रकार से फिर बिजली की समस्या से छुटकारा मिला है, बिजली उद्योग और व्यापार के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, आवश्यक साधन है, उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। तीसरा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप और इंस्पेक्टर राज का जो साम्राज्य होता था, उस इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए सभी विभागों में पारदर्शिता अपनाई जा रही है। उस पारदर्शिता के उस ट्रांसपेरेंसी से तो लोगों को हिम्मत भरी है, व्यापारियों की कठिनाइयाँ कम हुई हैं और इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार सभी विभागों में पारदर्शिता अपना रही है। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर व्यापारी और सरकार के बीच में सेतु का काम करने का सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और साथ में दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, इस पर जो अपने मंडी समितियाँ हैं उन मंडी समितियों में भी 3 लाख रुपए का आढ़तियाओं को और व्यापारियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा देना और जो जिन्स आपदा विपदा में ख़राब हो जाती है उनको भी 3 लाख रुपए की का बीमा कवर देना और व्यापारी को पेंशन योजना के माध्यम से सरकार ने लाभ देने का काम किया है। हम उस पेंशन योजना को और व्यापक बनाए जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, संघर्षशील हैं। इसी प्रकार से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने व्यापारी आपदा कोष स्थापित करने के लिए सरकार से निवेदन किया है, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि आपदा कोष का स्थापना की जाए जिससे कि व्यापारी के साथ जो दुर्घटनाएँ घटती हैं उसका माल छिन जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आपदा विपदा में ख़राब हो जाता है, उसकी भी सुरक्षा हो सके उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में उद्योगों को और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दिया गया है और एमएसएमई को एक टेबल पर बैठकर सारी समस्याओं का समाधान और सारे रजिस्ट्रेशन आदि देने का काम जो सरकार ने किया है उससे व्यापारी बहुत प्रफुल्लित है। समस्याएं लगभग नगण्य हो गई हैं परंतु दैनंदिनी की समस्याएं सामने आती है, कोई भी कठिनाई सामने आती है तो उसको दूर करने के लिए सरकार भी पूर्णतया प्रयत्नशील रहती है और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड भी उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है और साथ में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से उन समस्याओं का निदान करने का, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का, व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का काम सरकार भी कर रही है और हम सामाजिक स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील हैं और व्यापारी अपने को बहुत सुरक्षित और उत्साहित महसूस कर रहा है। उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश जो 13वें और 14वें स्थान पर औद्योगिक प्रगति में GDP में अर्थव्यवस्था में रहता था वो आज दूसरे स्थान पर आया है और मुझे लगता है कि आगामी एक दो साल में ही वह उत्तर भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। यातायात माह के अंतर्गत SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बिछिया कैंप में स्थित PTS में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मुख्य आरक्षियों को SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी भी सड़क पर रहकर स्वयं की सुरक्षा करें, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है चाहे वह पुलिस का जवान हो या आम नागरिक, इसलिए सभी लोग आवश्यक रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।
इसके अलावा जनता के प्रति कैसे पुलिस का आचरण रखना है इसको भी बताया गया। उसके बाद पुलिस कर्मियों को योगा टीचर के द्वारा योग के टिप्स भी दिए गए और फिटनेस को ट्रैफिक से जोड़ा गया कि फिट और स्वस्थ रहने की तभी उपयोगिता है जब आप जीवित रहेंगे और जी तभी पाएंगे जब आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षियों को मैपल ऐप के बारे में बताया गया कि मैपल ऐप नेविगेशन के लिए एक सुपीरियर ऐप है जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमें लोकल ट्रैफिक की जानकारी मिल पाएगी और इस टाइप के द्वारा किस एरिया में पार्किंग स्थल है की जानकारी भी आपको मिल पाएगी और VIP प्रोग्राम, मेला जुलूस आदि होने पर रूट डायवर्जन की जानकारी भी आपको मैपल ऐप के माध्यम से मिल पाएगी तथा सरकारी सेवाओं, ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की सूचना भी आपको मैपल ऐप के माध्यम से मिलेगी। यह ऐप सिटीजन फ्रेंडली है, इसके माध्यम से यातायात से संबंधित सुझाव भी आप दे सकते हैं। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया कि दो पहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना बैठाएं, बिना नंबर प्लेट लगी वाहन ना चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, वाहन को ओवर स्पीड से ना चलाएं तथा अपने परिवार एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करें। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक PTS हरेंद्र कुमार, यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, अजीत कुमार पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, फॉल्टी इंजीनियरिंग, सड़क की खराब बनावट, सड़क पर प्रॉपर साइन ना लगे होना, जैसे आगे बच्चों का स्कूल है तो उससे पहले साइनेज लगा होना चाहिए, लगे हैं यद्यपि परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं लगेगी, प्रत्येक विद्यालय के आगे लगे हो, अंदर के शहरों पर नहीं लगे हुए, शहर के अंदर तो इतने सारे स्कूल हैं पर कहीं साइनेज नहीं लगा हुआ है। ये नगर निगम की, DWD की या जिसकी वो खड़ा था, उस विभाग की जिम्मेदारी है प्रॉपर साइनेज लगाए, हर प्रकार का साइनेज। शहर के अंदर कहीं नहीं है कि तीन जो मोड़ है, गली है, धीरे चलिए, स्टॉप इस टाइप का कहीं नहीं है। या सड़क को एकदम 4 लेन से 2 लेन हो जाए। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हमारे देश में फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग है, उसको हम लोग विवेचना में शामिल नहीं करते हैं, उसको भी विवेचना में शामिल करके चार्जशीट उनके खिलाफ लगानी चाहिए। मैंने PTLS इसके लिए आप लोग जो कमांडर है वो डाले उसमें प्ले स्टोर में डाली, MAPPLS इसको सर्च करो। आचरण प्रस्तुत इसलिए करना है क्योंकि आलोचना के विषय आप पहले से बने हुए हैं और जब जनता का चालान करेंगे तो जनता आपका भी चालान करेगी या करवाएगी। उसने अगर फोटो आपका डाल दिया ट्विटर पे तो वो हो ही गया। इस जनपद में ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे चालान हुए हैं और ट्विटर के माध्यम से चालान करना इतनी मजबूरी होती है कि हमसे पूछता है ट्रैफिक डायरेक्टरेट और कई बार DGP ऑफिस। PTS गोरखपुर में प्रशिक्षणरत पुलिस कर्मियों तथा जनपद गोरखपुर के यातायात कर्मियों के लिए संयुक्त रूप से यातायात सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करने के लिए एवं ड्यूटी के दौरान जनता से उत्कृष्ट व्यवहार करने के लिए बताया गया और उनसे ये अपेक्षा की गई कि पब्लिक में ड्यूटी करने के दौरान या ट्रैफिक ड्यूटी करने के दौरान ऐसा आचरण और उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे पुलिस की छवि एक फैसिलिटेटर, एक दोस्त की भूमिका में जनता के सामने आए, अपना आचरण संयत रखें, स्वयं यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं और एक आदर्श और उत्कृष्ट पुलिसकर्मी के रूप में अपना एग्जाम्पल सेट करें। सर, योगा प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के साथ साथ उनके लिए मैपल्स ऐप की जानकारी दी गई कि मैपल्स ऐप नेविगेशन के लिए एक बेहतर ऐप है और उनके लिए योगा टीचर के माध्यम से योगा अभ्यास भी कराया गया और योगा की बारीकियों के बारे में भी योग प्रशिक्षक से
उनके लिए बताया गया कि किस प्रकार से योग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। कैन थाने की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैन थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रुद्र गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी GRT गेट के सामने कूड़ाघाट थाना कैन जनपद गोरखपुर, दूसरा आकाश गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी मकान नंबर 500 आवास विकास कॉलोनी थाना कैन जनपद गोरखपुर, तीसरा किशन शर्मा पुत्र स्वर्गीय दीप नारायण शर्मा निवासी नीना थापा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, अस्थाई पता चौगोना थाना कसिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। कैन थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैन थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अमित चौधरी, सुशील यादव, कांस्टेबल राहुल कन्नौजिया, अखिलेश कुमार, अमलेश यादव शामिल रहे। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपीश्वर त्रिपाठी ने बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस प्रकार 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए अनेकों प्रकार के अभियान चलाए थे, उसी प्रकार होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत सीटें भाजपा जीत सके, इसके लिए किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। उन्होंने बताया कि 21 से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में एक विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करेगा। किसान मोर्चा ने ग्रामीण क्षेत्र में 11 सदस्यीय ग्राम किसान समिति तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति का गठन कर चुकी है। इस किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में शहर में रहने वाले किसानों, वार्डों के संयोजकों, नगर निगम की सीमा में आने वाले गांवों के किसानों तथा फल सब्जी अनाज तथा कृषि आधारित व्यापार करने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा। किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। डबल इंजन की भाजपा सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से किसानों और नगरों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री रामानंद नन्हे, किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे, महामंत्री समरेंद्र कुमार सिंह, राज नारायण सिंह, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्र, जिला प्रभारी यादवेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी चंदन आर्या, सुरेश तिवारी, DN सिंह, महेश दुबे, शशिभूषण पांडे, भूपेंद्र सिंह, रामबचन निषाद, संतोष सिंह सहित किसान मोर्चा महानगर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने कहा, जनता पार्टी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अग्रणी मोर्चा है, और वो इस नाते है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मोर्चे हैं, सभी मोर्चे अभी मंडल तक की इकाई में हैं। किसान मोर्चा पहला मोर्चा है जिसकी मंडल से नीचे की इकाइयां हमारी बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 286 मंडलों के 10,908 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ग्राम किसान समितियों का गठन किया गया है। शत प्रतिशत गठन के साथ हमारे सभी ग्राम सभाओं में एक संयोजक और 10 सदस्य
के साथ 11 किसानों की ग्राम किसान समितियां हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के ये जो नगर निगम के नगर पालिकाओं के नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में भी किसान मोर्चा अपनी सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करेगा। इसके लिए हम सभी लोगों की योजना बनी हुई है और उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र के एक नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायत नगर निकायों में हमारे सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम किसान मोर्चे ने तय किया है। हमारी जो ग्राम पंचायतें ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं और जो हमारी ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल कर ली गई हैं उसमें और हमारे सभी जो संगठन का स्वरूप है इन सभी कार्यकर्ताओं को मिला करके अपनी ग्राम समितियों के माध्यम से हम वहां पर ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में सभी नगर पालिका परिषद में और नगर पंचायतों में ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होगा और उसमें हमारे किसान मोर्चा के क्षेत्र प्रदेश के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, इन सब की भागीदारी होगी और ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से निकाय चुनाव में किसान मोर्चा अपनी भूमिका का शंखनाद करेगा और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसानों के कल्याण के लिए जितना कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे पहली बार सरकार बनी थी तो किसान बही से लेकर के और आज किसान सम्मान निधि से लेकर के धान गेहूं के केंद्रों से लेकर के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने से लेकर के फसल बीमा योजना से लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के कल्याण की, वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई हैं। बाकी लोगों ने केवल किसानों को बरगलाने का, भड़काने का, गुमराह करने का काम किया है और बाकी उनका वोट लिया है। अगर किसानों के हित में कोई काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और किसान इस बात को बखूबी समझते भी हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के हम किसान मोर्चा के लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ इस निकाय चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और हमारा शत प्रतिशत विश्वास है कि हमारी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बल पर और हमारे कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम का संकल्प है उसके बल पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अब तक की जितनी भी विजय हुई है उससे बड़ी विजय, अभूतपूर्व विजय हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में और गोरखपुर क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हमारी ग्राम किसान समितियां राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बनी हैं। इन समितियों में एक संयोजक हैं और उनके साथ 10 सदस्य हैं। इस प्रकार से 11 किसानों की ग्राम किसान समिति है जो गोरखपुर क्षेत्र के 10,908 ग्राम पंचायतों में, शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में हमारी ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं और नगरीय क्षेत्र में भी, जैसे महानगर में ये कार्यक्रम हो रहा है, महानगर में भी सभी वार्डों में और सभी ग्राम इकाइयां जो यहाँ की हैं नगरीय क्षेत्र की, उसमें भी हमारी सभी जगह पर ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला का गला रेतकर हत्या करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त राकेश सिंह को पिपराइस थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नकद किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। उत्तर
प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रवि कुमार गर्ग का गोरखपुर पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बिना डर के व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार, व्यापार को मिला है बढ़ावा। यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात एवं अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वह पुलिस का जवान हो या आम नागरिक, सभी करें रोड सेफ्टी नियमों का पालन। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों रुद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और किशन शर्मा को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन का करेगा आयोजन। किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ उतरेगा मैदान में ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में 100% सीटें जीत सके भाजपा। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने दी जानकारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ठीक होने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में परिजनों को किया गया सुपुर्द। एसपी सिटी ने कहा, अब तक एनजीओ द्वारा 90 से अधिक महिलाओं को उनके परिजनों से मिलवाना है, बहुत ही अच्छा कार्य। बाईस से 26 नवंबर तक पूर्वांचल में आयोजित होगी बुद्ध से कबीर तक यात्रा। जनता और युवाओं के बीच भारत की सांझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुंचाना है यात्रा का उद्देश्य। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने दी जानकारी। एक शातिर वांछित लुटेरे फरहान अंसारी उर्फ छोटू को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, भेजा जेल। और जिटा शंकर गुरुद्वारा के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 65 से अधिक नागरिकों ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर करवाया निःशुल्क जांच। जिटा शंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, आगे भी आयोजित होगा इस तरह का शिविर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक एनजीओ द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ठीक होने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जानकी नाम की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला, जो कि 2 साल पहले छत्तीसगढ़ अपने घर से गायब हो गई थी, जिसको एक एनजीओ द्वारा 1 साल पहले पाया गया और अच्छी तरह से देखभाल कर ठीक किया गया, जिसको परिजनों को सुपुर्द किया गया है, जो कि बहुत ही नेक है। अभी तक एनजीओ द्वारा 90 से अधिक महिलाओं को उनके परिजनों से मिलवाया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से थी। इस महिला की गुमशुदगी छत्तीसगढ़ में दर्ज थी। जब महिला ठीक हो गई तो वहां के पुलिस से बात करके परिजनों को बुलाकर सौंपा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, नमस्ते सभी को। अच्छा, एक बार इसको हम लोग रेस्क्यू किए थे पुलिस लाइन से, बिल्कुल नई व्यवस्था में पुलिस लाइन का गेट है, बिल्कुल नई नई व्यवस्था उस तरीके का है। इसी होमगार्ड की लगा वही के चक्कर में बन गई थी, फिर इसकी रीम थी पुलिस लाइन के ही अंदर से हुई। तो अमिताभ जो एस टी में है कॉन्स्टेबल, वो बताया फिर हम लोग ले गए और मतलब आज एकदम कम्प्लीट अपनी माँ को लेकर। कहाँ पर रहने वाले? छत्तीसगढ़ का वो थाना है। अपना डिटेल बताओ। देखिए सब कुछ बता रही, 6 महीने से ये धंधा लास्ट बात। पहले तो आपको ये समझ में आ रहा था मानसिक होने में, महासमुद्र महासमुद्र कह रही है, बड़ा लगना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते सफलता हमको 10 दिन पहले मिली, फिर उन लोगों के साथ लगना पड़ा पुलिस को। अभी ये जो महिला पेशेंट आपके आसाम में पायल, ये इसका पता 2 साल से चल रहा था, घर में कोई नहीं था। ये दोनों आसाम की हैं और संयोग से एक ही जिले की हैं, तो इसके लिए हमारा फॉलोअप उनसे 7 साल से चल रहा था। एक दिन मैंने फ़ोन किया, उसका जब पता लगा कि वही शहर है उनका,
तन महोदय वही है, लेने आ रहे हैं। 8 साल बाद वो घर जा रही है और मुझे ये लग रहा है ये 10 साल से पहले जा रही है, वो 8 साल से घर बात कर रहा है। इनका रूटीन सर सुबह जो है 6:30 और चाय पानी कराने के बाद फिर उनको अंदर करते हैं हम लोग आधा घंटा, जैसे ठंड में तो परमानेंट महसूस कराने के बाद खाना खा के फिर घंटा रेस्ट करते हैं। 3 से 6 इन लोगों का रेगुलर रूटीन, मतलब ये गाना डांस कैम कैरम बोर्ड जो भी, चूँकि यहाँ हम लोग की टीम बहुत छोटी है, कितने लोग हैं संध्या भी आती बरसा से आई है। सबसे बड़ा दुखद मेरे लिए ये हो जाता है कौन बरसा भी ये अपने हाँ वो जो मदन मिश्रा का तिवारी सचो वही अगर थोड़ा सा दबाव भी बना करके पीछे बेटी का पता चल जाए तो ये घर, अब जैसे ये मरने के स्टेज में है तो कम से कम घर वाला उठ रहे, एक नेपाल की है जिस साल में महासमंद मानसिक तो सब ठीक नहीं थे इसका दिमाग, और रात को अचानक गायब हो गई। सुबह ढूंढते ढूंढते आपका गांव में रहते हैं? हाँ गांव में रहते हैं। तो परेशान ना हो, और कहता मानसिक रूप से विकसित है, एकदम समझदार है, एकदम समझदार है सर, सहयोग भी करते हैं। नहीं यहाँ पे तो सर 1 साल से लगभग 1 साल से 2 बार आज प्रातः मुझे मातृछाया एनजीओ में यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य मिला, मैं सौभाग्य ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति को यहाँ पे लाया जाता है, महिला के लिए ही है सिर्फ, तो मानसिक रूप से विकसित महिलाओं को यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद में आज तक 90 से ज़्यादा ऐसी महिलाओं को उनके वापस परिजनों तक सौंपा गया है। ये वास्तव में एक अद्भुत कार्य है जो मातृछाया एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। आज जानकी नाम की एक महिला जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, 2 वर्ष से ये महिला यहाँ गोरखपुर में घूम रही है, वहाँ की लोकल पुलिस ने इसकी वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद में जब ये यहाँ आई तो यहाँ मातृछाया एनजीओ द्वारा धीरे धीरे पता किया गया, ओवर द पीरियड जब मानसिक रूप से नॉर्मल हुई है तब ये बता पाई हैं कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, फिर एनजीओ ने प्रयास किए, आज वो अपने घर वापस जा रही है। इस तरह की कम से कम 90 से ज़्यादा जिंदगी इन्होंने वापस लोगों के साथ मिलाया है उन लोगों से, और इसके वास्तव में साधुवाद के बहुत बड़े पात्र हैं ये। और मैं आप सभी लोगों से गोरखपुरवासियों से अपील करता हूँ कि इस तरीके से जितनी भी संस्थाएँ चलती है उनका मदद करें, लेकिन मातृछाया एक बार आप ज़रूर विजिट करें, इट विल टच योर सोल मूव योर हार्ट। थैंक यू। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व DGP डॉक्टर विनोद मल ने सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विगत 5 वर्षों से पूर्वांचल में आयोजित होने वाली बुद्ध से कबीर तक यात्रा इस वर्ष 22 नवंबर से प्रारंभ हो रही है जो 26 नवंबर को समाप्त होगी। भारत की साझी विरासत को संजोने और शांति सद्भावना के प्रसार के लिए 5 दिनों की यह यात्रा जनपद और निकटवर्ती जनपदों से निकाली जाएगी, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उद्बोधन के माध्यम से लोगों के बीच देश की एकता और संवैधानिक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता और युवाओं के बीच भारत की साझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुँचाना है। शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना हमारे देश की मूल परम्परा है। पूर्वांचल की वैश्विक पहचान के रूप में बुद्ध और कबीर इन्हीं शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान समय में हमें इनके विचारों और शिक्षा को अपनाने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन 5 दिनों में अलग अलग जनपदों में स्कूल के बच्चे तथा लोकल नागरिकों द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी।
उन्होंने कहा कि पूरे साल देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में इस यात्रा ने लोगों के बीच अलग अलग मुकाम हासिल किया है। देश की अखंडता और एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के पूर्व आईएएस अनुराधा मल, सिराज अहमद, शैलेंद्र कबीर, दीपक पांडे, अजीत सिंह देवयानी, सुधीर टेकरीवाल, आरपीएन सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने कहा, कार्यक्रम 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 22 की सुबह से सॉन्ग जी सुनेंगे, ये भी इनहाउस। इनहाउस इस सेंस में कि शब्द हमारे हैं, संगीत हमारा है, एडिटिंग शूटिंग सब कुछ हमारे इन्हीं लोगों ने किया होगा, अभी लोग हैं और गाने वाले भी हमारे टीम। हाँ, गाना म्यूजिक सब कुछ। सो वी हैव अ वेरी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ही क्रिएटिव और आइडियोलॉजिकली कमिटेड, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टैलेंट, जैसे बड़े कलाकारों को कभी नहीं बुलाते हम पैसे खर्च करके, क्योंकि हमारे पास वैसे भी बहुत ही सीमित वो होते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन से मित्रों से पैसे लेके कार्यक्रम करते हैं, तो हम बहुत बड़े कलाकारों को नहीं बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करते हैं। प्रेस वार्ता जो बुद्ध से कबीर तक यात्रा 2022 की है और 22 से 26 नवंबर तक निकाली जा रही है, उसके बारे में प्रेस वार्ता है। क्या उद्देश्य बुद्ध से कबीर यात्रा का? जैसा आप जानते हैं, उद्देश्य भारत की जो एक बहुत ही सुंदर साझी विरासत है, शांति और अहिंसा की परंपरा है, भाईचारे की परंपरा है, उस परंपरा को मजबूत करना है और जो अपने देश के संवैधानिक मूल्य हैं उन मूल्यों के हिसाब से भाईचारे की भावना को समाज में विकसित करना है। सर, कहाँ से यात्रा निकली, कब निकली, कब खत्म होगी? कहाँ यह यात्रा 22 नवंबर से शुरू हो रही है और 26 नवंबर को ख़त्म होगी। 22 नवंबर को इस यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से किया जा रहा है और जो पहला कार्यक्रम है वो इस्लामिया कॉलेज में है, वहाँ से शुरू होगा। दूसरा कार्यक्रम उसी दिन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उस दिन गोरखपुर शहर में कार्यक्रम है। 23 तारीख को गोरखपुर जिले के दक्षिण क्षेत्र बड़हलगंज में दो कॉलेजेस में, एक नेशनल इंटर कॉलेज और एक सेंट जोसेफ कॉलेज में कार्यक्रम है, बड़हलगंज में यात्रा है और फिर कौड़ी राम क्षेत्र में एक लोगों के साथ में चौपाल संवाद की प्रक्रिया है। 24 तारीख को कार्यक्रम महाराजगंज शहर में है जहाँ पर यात्रा निकाली जाएगी, एक विद्यालय में कार्यक्रम होगा और वहाँ पे जो गोरखनाथ मंदिर परिसर है और सोनाड़ी देवी स्थल है और राम ग्राम स्तूप है, इन तीन जगहों पे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बुद्ध से कबीर तक का संदेश देने के लिए आयोजित किए जाएंगे। 25 तारीख को इस बार पहली दफ़ा हम देवरिया जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं और देवरिया में सलेमपुर, कुखुंदू और देवरिया शहर, इन तीन जगहों में कार्यक्रम होंगे। तीनों जगहों पे यात्रा होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देवरिया में जो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज है GIC, वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और तत्पश्चात यात्रा होगी। आखिरी कार्यक्रम 26 तारीख को है। 26 तारीख आप जानते हैं कि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन गोरखपुर शहर में यात्रा होगी और शाम का जो हमारा कार्यक्रम है जो कि फातिमा कॉलेज में किया जाएगा, वो संविधान दिवस मनाने के लिए, क्योंकि बुद्ध से कबीर तक संविधान के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और उन मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो आखिरी कार्यक्रम संविधान दिवस सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। इस तरह से 26 को यात्रा हमारी पूरी होगी। सर, इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? इस यात्रा में देखिए, अलग अलग जगहों पे वहाँ के स्थानीय, हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोग हों और जहाँ भी स्कूल कॉलेज वगैरह में कार्यक्रम होते हैं वहाँ के बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं वो शामिल होते हैं, तो हर जगह 200, 400, 500 जहाँ पे स्थानीय वो होता है उस हिसाब से हम करते हैं। हम एक जगह से हर जगह यात्री नहीं ले जाते हैं, कुल सिर्फ करीब 40-50 लोग होते हैं जो कि केंद्रीय कोर टीम है, वो 40-50 लोग जाते हैं, हमारे सांस्कृतिक ग्रुप्स हैं वो सब जाते हैं। सांस्कृतिक ग्रुप में बुद्ध से कबीर तक बैंड है और एक प्रेरणा कला मंच नाट्य ग्रुप है, वो लोग जाते हैं और ये लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये 40-50 के अलावा लोग सारे लोग स्थानीय होते हैं जिन यात्राओं में और कार्यक्रमों में शरीक होते हैं।
शाहपुर थाने की पुलिस ने एक वांछित छाती लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान फरहान अंसारी उर्फ छोटू पुत्र सैयद अंसारी निवासी चकसा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक राम प्रवेश, अरविंद सिंह यादव, कांस्टेबल संजय राजभर, कुंदन मौर्य शामिल रहे। जटाशंकर गुरुद्वारा के तत्वाधान में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि जटाशंकर गुरुद्वारा धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक कार्य करता आ रहा है। समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए रविवार को चिकित्सीय शिविर लगाया गया है। यहाँ पर हड्डियों की जाँच, दाँत की जाँच, रक्तदान, शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच की जा रही है, जिसमें 65 से अधिक लोगों ने चिकित्सक शिविर में आकर अपना जांच करवाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, अभी तो है, कितने बजे तक रहेगा? 2 बजे। पर्चा जमा हो गया अपना जवान है। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। देखिए, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर जो है धार्मिक कार्यों के अलावा अनेक सामाजिक कार्य भी करती रहती है। वो समय समय पर यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाती है। तो आज हमारे पास लखनऊ से डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो यहाँ पर हड्डियों की जाँच और सामान्य जाँचें भी कर रहे हैं। यहाँ पर शुगर की जाँच भी हो रही है और ब्लड प्रेशर और हड्डियों की भी जांच हो रही DMD। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल हॉस्पिटल से दांतों की टीम आई हुई है, दांतों की जांच कर रही है। बाहर हमारा रक्तदान शिविर लगा हुआ है। तो ये सब हमारी सामाजिक सेवाएं हैं, वो चल रही हैं। यहाँ पर सुबह से काफ़ी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी जाँचें करवा रहे हैं। फिलहाल अभी 65 लोगों का अभी नॉमिनेशन हो चुका है और अभी लोग आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। महिला का गला रेतकर हत्या करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त राकेश सिंह को पिपराइज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नगद किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा।
उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रवि कुमार गर्ग का गोरखपुर पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बिना डर के व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार, व्यापार को मिला है बढ़ावा। यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात एवं अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वह पुलिस का जवान हो या आम नागरिक, सभी करें रोड सेफ्टी नियमों का पालन। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों रुद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और किशन शर्मा को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन का करेगा आयोजन। किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ उतरेगा मैदान में ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में 100% सीटें जीत सके भाजपा। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने दी जानकारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ठीक होने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में परिजनों को किया गया सुपुर्द। एसपी सिटी ने कहा, अब तक एनजीओ द्वारा 90 से अधिक महिलाओं को उनके परिजनों से मिलवाना है, बहुत ही अच्छा कार्य। बाईस से 26 नवंबर तक पूर्वांचल में आयोजित होगी बुद्ध से कबीर तक यात्रा। जनता और युवाओं के बीच भारत की सांझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुंचाना है यात्रा का उद्देश्य। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने दी जानकारी। एक शातिर वांछित लुटेरे फरहान अंसारी उर्फ छोटू को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, भेजा जेल। और जटाशंकर गुरुद्वारा के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 65 से अधिक नागरिकों ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर करवाया निःशुल्क जांच। जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, आगे भी आयोजित होगा इस तरह का शिविर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।